खेतरा को होली ऐतिहासिक मनाने के लिए उसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा आपका? सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। मैं होली समिति अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद पांडे खेतासराय। उद्देश्य ये परंपरा पूर्वजों के तरफ से बना है। आज अनेकों वर्षों से हम 14 वर्ष से यहाँ होली का निर्वाह कर रहे हैं। सर ये जुलूस जो निकला है ये भव्य तरीके खेतासराय का ऐतिहासिक होली माना जाता है, ये जुलूस जो निकला है उस पर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? लगभग मेरी उम्र 54 वर्ष है और मैं इसको 45 वर्षों से लगातार देख रहा हूँ कि जुलूस भव्यता को लेते हुए सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रंगों की होली होती है। मैं मनीष कुमार यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। आज मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के खेतासराय में, जहाँ पे होली पर्व बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ की बात करूँ, खेतासराय की होली ऐतिहासिक होली है और हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं जो खेतासराय में डीजे के जो जुलूस निकाला गया है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं जुलूस के आयोजक जगदम्बा पांडे जी। हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि ये जो जुलूस निकाला गया है खेतासराय को होली ऐतिहासिक मनाने के लिए उसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा आपका। सबसे पहले सर स्वागत है आपका मन्नू शैल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होली समिति अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद पांडे खेतासराय। उद्देश्य ये परंपरा पूर्वजों के तरफ से बना है। आज अनेकों वर्षों से हम 14 वर्ष से यहाँ होली का निर्वाह कर रहे हैं जी। उसके पहले कई बार यहाँ दंगा फसाद उल्टा सिल्दा कर्फ्यू सेंटर में सब लगा है जी। लेकिन यहाँ के बुजुर्गों ने हमको जिम्मेदारी दिया जी। आज ये 14वां साल पूरा हो रहा है कि खेतासराय में हिंदू मुस्लिम भाई साथ साथ चलते हैं, सभी का सहयोग रहता है जी। और आपस में मिल के दोनों त्यौहार हम मिलाते हैं। न हमसे हिंदू से कोई मामला है और न मुस्लिम से कोई घर है जी। हमारे हिंदू भाई पूरा सहयोग कर रहे हैं, मुसलमान भाई हमारा सहयोग करते हैं, दोनों मिल मिला के हम लोग आपस में जो है ये त्यौहार मना रहे हैं। चूंकि यह तो होली ऐतिहासिक होली है, राष्ट्रीय पर्व हमारा है, इसका पूरा परा पूरा पूरा हम लोग पालन करते हुए होली जुलूस का निर्वाह करते हुए माँ काली के मंदिर पे पहुँच रहे हैं और जुलूस 98% 98% पार हो चुका है, 2% बाकी है। सर हम बात करें अगर जुलूस की, जो अभी खेतासराय में भव्य तरीके से जो होली पर्व के जुलूस निकाला गया है, ये जुलूस कहाँ से चल के कहाँ तक समापन होगा? ये देखिए खेतासराय गोला बाजार मोड़ से चला है, सीधे ओरिएंटल बैंक गया है जहां कल हम होलिका जलाए थे पहला। आज पहला जो है धुरड्डी करने हम वहां गए हैं, दूसरा मुड़ के आए हैं, दूसरा होलिका जलाए हैं माँ दुर्गा मंदिर पे। माँ दुर्गा मंदिर पे हम धुरड्डी किए हैं और जुलूस जो है पुरानी बाजार होते हुए और सीधे माँ काली मंदिर पे जाएगी जहाँ तीसरा होलिका जलाए थे, हम वहाँ धुरड्डी करेंगे और वहाँ से वापसी जहाँ गोला बाजार मोड़ से जुलूस निकली थी वहीं पर जाके हम समापन करेंगे। सर बात करें, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे जुलूस में है, किसी प्रकार की कोई घटना का अनुमान ना हो सके, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए पुलिस प्रशासन ने पूरा पूरा सहयोग किया है और खेतासराय के पुलिस प्रशासन के साथ साथ हिंदू मुस्लिम सभी जितने समाज के लोग हैं सभी ने मेरा सहयोग किया है। मैं सभी को जो है कि शुभकामनाएं देता हूँ, होली के पर्व के साथ साथ रमजान के भी शुभकामनाएं देता हूँ कि जैसे होली पर्व आज सम्मान हुआ पूरक संपन्न हो रहा है, ऐसे ही रमजान का भी महीना शांतिपूर्वक संपन्न हो। लोगों के लिए क्या मैसेज रहा आपका? बहुत अच्छा रहा जी। सबके लोगों के लिए क्या कहने का, क्या कहना चाहेंगे आप? जन जन जो लोग होली नहीं मना रहे हैं, रंगों से उन्हें डर लगता है, उनके क्या कहेंगे? अरे भाई वो कैसा कुछ नहीं है, ये अफवाह में रहा कुछ। मैं कह रहा हूँ कि 2011 से मैं होली समिति का अध्यक्ष हूँ, 2010 में यहाँ दंगा हुआ, यहाँ दंगा केवल माइक से बोलने के लिए मुसलमानों को ललकारने के लिए यहाँ दंगा हुआ और वही यहाँ का नेतृत्व हिंदू मुसलमान ने हमको दिया। आज 14वां साल हम इसको निभा रहे हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान सभी हमारे साथ हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आपने देखा कि हमारे साथ ये जुलूस जो निकाला गया उसके आयोजक जगदम्बा पांडे जी ने थे, जिन्होंने हमें जानकारी दी जुलूस के बारे में जानकारी। आपने देखा कि हमारे साथ जुलूस के अध्यक्ष जगदम्बा पांडे जी ने था, जिन्होंने जुलूस के बारे में बताया और हम हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि उन्हें यह पावन पर्व होली का त्यौहार कैसा लग रहा है। सर सबसे पहले स्वागत हमारे न्यूज चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और उपस्थित समस्त नगरवासियों और पास पड़ोस के ग्रामवासियों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जी। सर ये जुलूस जो निकला है ये भव्य तरीके खेतासराय का ऐतिहासिक होली माना जाता है, ये जुलूस जो निकला है उस पर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? यह खेतासराय नगर आज नहीं विगत लगभग मेरी उम्र 54 वर्ष है और मैं इसको 45 वर्षों से लगातार देख रहा हूँ कि यह जुलूस भव्यता को लेते हुए सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रंगों की होली होती है जी। उसका संचालन अपने ही वार्ड के लोग बच्चे या उनके अभिभावक करते हैं जी। और दोपहर 3 बजे के बाद जब यह
अबीर गुलाल का जुलूस निकलता है डीजे के साथ जी। अपनी भव्यता को लिए, अपनी प्राचीनता को लेकर और होली के पर्व को, रंगों के इस त्यौहार को मनाने के लिए सारे नगरवासी, आसपास के और जो ग्रामवासी हैं उन लोगों के सहयोग से, उनकी सहायता से, सबके प्रेम और स्नेह से यह पर्व निरंतर मनता चला आया है। और विगत एकाध दो लोगों के अनावश्यक प्रयास से जो कुछ घटनाएं वो घटित कराना चाहते हैं, उससे भी समाज और जुलूस के अध्यक्ष जगदम्बा पांडे जी और उनके साथ सहयोग में हम या पूरे अन्य बाजार के लोग प्रयास करते हैं कि उस तरह का उनके कुत्सित प्रयास को हम लोग विफल कर दें और होली के इस परंपरागत जुलूस को निरंतरता देते हुए भव्य तरीके से मनाएं। जी, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे और पूछेंगे कैसा लग रहा सर, कैसा लग रहा आपको होली पर्व? होली का पर्व बहुत अच्छा होता है, ये एक दूसरे से मिलने का पर्व होता है। ये हमारा जुलूस श्री जगदम्बा प्रसाद पांडे के अध्यक्षता में मनाया जाता है। इसे हम विगत, इसे कह लीजिए आप ऐतिहासिक तौर पे इसे मना लेते हैं। ऐसा माना जाता है खेड़ा सराय का जो जुलूस निकलता है ऐतिहासिक जुलूस निकलता है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये हमारे जन्म से पहले से ये जुलूस निकलता रहा है और जब से हम होश संभाले हैं तब से देख रहा हूँ ये जुलूस ऐसे ही, अध्यक्ष बदलते रहते हैं लेकिन जुलूस ऐसे ही बराबर चलता रहा है। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा इस होली का पर्व को लेकर, लोगों के लिए क्या मैसेज? हाँ, एक शांति का मैसेज जाता है हमेशा होली में। कुछ एक दो साल हो गया था लेकिन अब फिलहाल शांति का ही मैसेज जाता है। तो आपने देखा कि हमारे साथ कुछ लोग थे, खेड़ा सराय के लोग थे जिन्होंने जुलूस के बारे में बताया, यहाँ की ऐतिहासिक होली के बारे में बताया। हमारे साथ जुड़े हैं सभासद, पूर्व सभासद मनीष धर्मरक्षक जी। हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि ये जो खेड़ा सराय का जो ऐतिहासिक जुलूस जो निकला हुआ है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। सबसे पहले स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल में सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है ये जो खेड़ा सराय का ऐतिहासिक जुलूस निकलता है हर वर्ष, उस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ऐतिहासिक खेड़ा सराय का भगवा जुलूस है, पूरे नगर को भ्रमण करते हुए, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे नगर को भ्रमण करते हुए अब अपने समापन की ओर चल रहा है और यह ऐतिहासिक जुलूस जगदम्बा प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में बहुत का सुशल संपन्न हो रहा है। जो ये पुलिस प्रशासन भी साथ दे रही है जुलूस में, उस पर क्या आपका? नहीं, पुलिस प्रशासन पूरे तत्परता से लगी है साथ और पूरा सहयोग कर रही है, जुलूस संपन्न होने जा रहा है और सभी आए हुए भगवाधारी शेरों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि इन्होंने सफल जुलूस बनाया, भारी संख्या में सारे लोग यहाँ पर आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा पूरा खेड़ा सराय जय जय श्री राम के नारे से होली के पर्व के साथ गूंज रहा है। आपने देखा कि खेड़ा सराय के कुछ लोग तो जिन्होंने होली के पावन पर्व को बहुत ही ऐतिहासिक रूप से मनाया। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ मैं मनीष कुमार यादव, लाइव टीवी एक्सप्रेस।